आज आ ही गया 5 करोड़वां गारंटी कार्ड। जी हां, रंग ला रही है सीएम अशोक गहलोत की मुहिम। गहलोत डोटासरा ने लगातार दौरे किए, नतीजा आपके सामने। इससे लोगों में जागरूकता आई है, प्रशासनिक मशीनरी में भी सक्रियता देखने को मिली है। इसी के चलते आज 5 करोड़ गारंटी कार्ड का एक बड़ा अचीवमेंट जो है वो महंगाई राहत कैंप में अचीव हुआ है। आपको बता दें कि कल ही सीएम गहलोत ने कहा था कि सरकार के काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इस बयान के अगले ही दिन 5 करोड़ का माइलस्टोन पार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, गारंटी कार्ड बांटे जा रहे थे लगातार। कल करीब करीब 4.89 करोड़ का आंकड़ा था, आज 5 करोड़ पहुंच गया है यह आंकड़ा। सीएम अशोक गहलोत की मुहिम, खुद लगातार सक्रिय रहे, साथ में पीसीसी चीफ सक्रिय रहे, लगातार कैंपों में जाते रहे, लोगों से खुद इंटरेक्ट होते रहे, लोगों को योजनाओं के बारे में बताते रहे। नतीजा ये रहा कि काफ़ी कम समय में ही 5 करोड़ के पार पहुंच गया है गारंटी कार्ड बांटे जाने का आंकड़ा, और जो लाभार्थी उनकी संख्या भी लाखों के ऊपर है। अब ऐसे में अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से महंगाई राहत कैंप ने बुलंदियों को छुआ है। गारंटी कार्ड का आंकड़ा जो है वो 5 करोड़ के पार। तो गहलोत डोटासरा ने लगातार दौरे किए हैं, इससे लोगों में जागरूकता आई है, प्रशासनिक मशीनरी भी सक्रिय रही, इसी के चलते 5 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हुआ है। आपको बता दें कि लगातार हमने देखे किस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला, और मुख्यमंत्री अपने इस बिजी शेड्यूल में होने के बावजूद लगातार महंगाई राहत कैंपों में जाते रहे। गहलोत डोटासरा की जोड़ी जगह जगह गई और लोगों को जागरूक किया गया, लोगों से इंटरेक्ट होते खुद नजर आए मुख्यमंत्री। और बड़ी चीज रही कि मुख्यमंत्री खुद लोगों को गारंटी कार्ड बांटते नजर आए, वॉलंटियर से पूछते नजर आए कि किस तरीके से काम हो रहा है। अब लगातार मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भाई सरकार के काम को लेकर ही हमें जनता के बीच में जाना है। अब ऐसे में ज्यादा से ज्यादा गारंटी कार्ड, देखिए 8 करोड़ की जनसंख्या राजस्थान में, 5 करोड़ का जो आंकड़ा है गारंटी कार्ड का वो छू लिया गया है काफी कम समय में। अभी जून के अंत तक चलना है महंगाई राहत कैंप और ये बड़ा माइलस्टोन। तो 24 अप्रैल से शुरू हुआ सरकार का महंगाई राहत अभियान लगातार जारी है और अब इस अभियान ने 5 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। तो 1 करोड़ परिवार तक कैंप का लाभ पहुंच चुका है। कैसे मुख्यमंत्री गहलोत की सोच ने आज जन जन के दिलों में जगह बनाई, ये आप इस रिपोर्ट के माध्यम से देखेंगे। महंगाई राहत कैंप के जरिए सरकार ने 5 करोड़ गारंटी कार्ड देने का महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप की शुरुआत 24 अप्रैल को महापुरा में जयपुर से की थी और इसके बाद अलग अलग जगहों पर कैंप का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री पहुंचे, लोगों से संवाद किया और इस संवाद के दौरान उन्होंने जनता को सरकार की योजनाओं के फायदे भी बताए। मुख्यमंत्री खुद भी महंगाई राहत कैंप से लोगों को मिल रहे राहत से बेहद खुश दिख रहे हैं। कंप्यूटर बताएगा आपको पेंशन के आप एलिजिबल हो गई हो, या आपको पता नहीं मैं एनएफएसए में मैं बुक हूँ और मुझे किट मिल सकता है। ये जो फायदे हो रहे हैं इस कैंपों से, उसको लोगों में एक बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि ये अच्छा काम किया। तो ये कैंप ऐसे ही हैं, कैंप ऐसे ही हैं कि जितने मैं समझता हूँ कि अब सबको प्रदेश में जितने लोग हैं वो सब जा रहे हैं कैंपों के अंदर। मैंने कहा ना आपको, महंगाई राहत कैंप के अब तक के सफर की बात करें तो किसी ने ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इस शिविर को इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जयपुर के महापुरा में 24 अप्रैल से हुआ आगाज, पहले दिन किए गए करीब 18 लाख रजिस्ट्रेशन, 24 दिन में ही 5 करोड़ का आंकड़ा किया पार। महज 4 दिन में ही 1 करोड़ गारंटी कार्ड जारी करके राजस्थान में एक रिकॉर्ड कायम किया गया। एक सोच के साथ बढ़ा कारवा आज भी बढ़ता जा रहा है। 24 अप्रैल जयपुर के महापुरा से शुरुआत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की शुरुआत। 28 अप्रैल 1 करोड़वां गारंटी कार्ड किया जारी, हनुमानगढ़ के रावतसर कैंप में हुआ जारी। 4 मई
दो करोड़ पहुंचा गारंटी कार्ड का आंकड़ा। चित्तौड़गढ़ के कैंप में पहुंचा ये आंकड़ा। 9 मई 3 करोड़ का छुआ माइलस्टोन। उदयपुर के मावली में हुआ ये आंकड़ा। खुद मुख्यमंत्री ने दिया 3 करोड़ वक्का। 13 मई 4 करोड़ का आंकड़ा हुआ पूरा। जोधपुर के हरिया ढाणा में गारंटी कार्ड हुआ जारी। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को खुद सौंपा गारंटी का। तो वही लाभार्थी परिवारों की संख्या भी 1 करोड़ से पार हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि विपक्ष इस बात पर सवाल तो उठाता है कि सरकार की योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराने और कैंप में आने की क्या जरूरत है, लेकिन इनके समर्थन में तर्क देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना कैंप के कई बार सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचता। यही कारण है कि सरकार ने कैंप लगाकर लोगों को राहत देने की मुहिम चलाई है। कुछ हमारे साथी विपक्ष के कैंप क्यों लगा रहे हैं, घर बैठे फॉर्म भर देते हैं। कैसे भर देते हैं? 60% तक भी इसके में नहीं पहुँचती हमारी, मुश्किलें पहुँचती है। विज्ञापन दे दो आप, मीटिंगों में चर्चाएं कर दो, तो ही लोग नहीं समझ पाते। पहली बार हो रहा है कैंप लगा लगा के बुलाया जा रहा है, खुशी खुशी आ भी रहे हैं, इंतजार भी करना पड़ता है, कर रहे हैं गर्मी के अंदर भी, सुकून लेके जाते हैं। आप देखिए मेरे को 3-4 हज़ार का फायदा होगा, मुझे 5 हज़ार का फायदा होगा, 2-3 हज़ार का फायदा पर मंथ होना किसे कहते हैं, बता दीजिए आप गरीबों के लिए। जिस तरीके से गहलोत सरकार की ओर से आयोजित महंगाई राहत कैंप को रिस्पांस मिल रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। खास बात ये है कि खुद जनता ही इसका प्रचार कर रही है। सरकार को भी उम्मीद है कि इस कैंप के जरिए वो राजस्थान के हर व्यक्ति तक राहत पहुंचाएंगे। फिलहाल जिस स्पीड से लाभार्थियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए ये टारगेट भी जल्द ही पूरा हो सकता है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु के लिए रवाना हुए हैं। कल कर्नाटका की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। सीएम, डिप्टी सीएम समेत मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री गहलोत शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं बेंगलुरु के लिए। बेंगलुरु में कल शपथ ग्रहण समारोह होना है नई सरकार का। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है कर्नाटका में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार वहां पर इन्वॉल्व रहे और अब जीत हो गए तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से मंडरायल के शैली वाले हनुमान जी मंदिर में भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। भागवत कथा में नंदोत्सव मनाया गया। भागवत कथा प्रसंग के दौरान जैसे ही कान्हा का जन्म हुआ नंदलाला के जयकारे गूंज उठे और महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने बधाई गीतों पर जमकर नृत्य किया। कथावाचक पंडित रमेश शास्त्री ने कथा के दौरान वामन अवतार प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने भगवान के अपने भक्तों के प्रति प्रेम के संगीत में प्रस्तुतियां दी। साथ ही गुरु शिष्य प्रसंग की व्याख्या करते हुए गुरु के प्रति सम्मान और सद्भाव का संदेश दिया। गौरतलब है कि पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने मंडरायल के शैली वाले हनुमान मंदिर परिसर में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जहाँ संगीत में भागवत कथा का आयोजन आप देख रहे हैं।